अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबकी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का व्लॉग करेंगे हम स्टार्ट। और ये मैं लेकर आई थी, प्लेटों का सेट है ये। तो माशाल्लाह से रमजान आने वाले हैं तो मैंने सोचा चलो, क्योंकि मुझे सच बताऊँ मुझे तो प्लेटें दस्तरखान पे एक सी चाहिए होती हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कि आने वाले आते हैं जब भी ये चीज़ का ध्यान, नॉर्मली हम डेली जो खाना खाते हैं उस चीज़ में भी मैं ध्यान रखती हूँ। 6 छोटी 6 बड़ी प्लेटें जो कि आने जाने वालों के लिए अलग रखती हूँ मैं। तो बस मेरी आदत है, हर काम में सोचती हूँ फिनिशिंग के साथ में करूँ, कोशिश करती हूँ। और बस रमज़ान आ रहा है तो मैंने सोचा चलो ये भी लेकर ही आते हैं। और ये बस ये सिर्फ प्लेटों का है, ये देखो ये कांच की प्लेट है। और इसमें की प्लेटें मेरे पास में रखी हुई भी हैं, 6 छोटी थी 6 बड़ी थी, उसमें से भी 2-3 टूट गई हैं। तो इस हमारे रमजानों में अब तैयारी ना एक से बर्तनों में और कांच के बर्तनों में सच बताऊं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये 2-3 दिन से डब्बा रखा हुआ था यहीं पर ही, बस ये के व्लॉग बनाऊंगी, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। डेली के काम इतने होते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं। तो आज सोचा आज मेरे पास चलो टाइम है तो आज चलो शेयर करते हैं। और ये है 6 कटोरियां, 12 हैं कटोरियां, लेकिन है छोटी सी, लेकिन इतनी ज्यादा छोटी है, सिर्फ मेरे लिए तो चटनी वटनी के काम में आई है, क्योंकि चटनी भी तो कई सारे ही करते हैं हम लोग। लेकिन कांच के बर्तन सच बताऊं मुझे इतना ज्यादा और एक तो बहुत ही महंगा आता है, वो आता है कम से कम 7-8 हज़ार का आता है, कांच का होता है और उस पर बड़ा ही प्यारा खूबसूरत डिजाइन बना हुआ होता है। बस इंशाल्लाह लेकर आऊंगी वो भी, लेकिन अभी तो नहीं, फिलहाल अभी तो। और ये छोटे छोटे बॉयल हैं, ये भी खैर जरूरत ही पड़ेंगे, काम में ही आएंगे ईद पे। ये रमजानों में 3 आई हैं, इसके अंदर जो आए 3 आए। लेकिन मुझे सच बताओ मुझे अफ्तारी के लिए ना थोड़ा इतना बड़ा चाहिए, इतना बड़ा, ये छोटे हैं, इतना बड़ा बड़ा खूबसूरत लग रहा था, एक मैंने देखा था, वो लेकर आऊंगी मैं। और जैसे कि मैंने कहा था 12 कटोरियां और ये नहीं बड़ी वाली प्लेट। बस ये है कि जब मैं जैसे व्लॉग बनाती हूँ ना, व्लॉग बनाते मैं ये वाले बर्तन इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये अगर जैसे ये रखा हुआ है पेपर अगर धोकर एकदम यू रख दो ना थोड़ा ज्यादा तेज हाथ से तो फौरन ही टूट जाती है प्लेटें, इतनी ज्यादा और ये है 6 बड़ी प्लेटें। जैसे कांच की प्लेट रखने का ये टिप्स होती है, ये टिश्यू पेपर होता है ना, अभी तो खैर ये वाला पेपर रखा हुआ है जो टिश्यू पेपर होता है, प्लेट जैसे ही रखते हैं ना, जैसे ये रखी हुई है ऐसे ही रखना चाहिए, तो इससे क्या होता है सेफ रहती है प्लेटें। ये टिप्स एंड ट्रिक मैंने बहुत पहले व्लॉग में मैंने बताई थी और शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी इसकी मैंने। और ये भी छोटी, ये भी देखो ऐसी रखी है कागज में, और मैं ऐसी बर्तन रखती हूँ मैं भी, ये भी अच्छी लग रही है प्लेट है नाश्ते के लिए, इसमें वैसे ये नाश्ते के लिए ज्यादा यूज होंगी। और एक अफ्तारी जो हम बनाते हैं ना एक सी अलग तो ये इसमें कम आएंगे देखो, लेकिन वैसे ये वाली प्लेट थोड़ी सही नहीं रहती, इससे क्या रहता है जरा सी भी प्लेट यूं हो ना तो सारा 24 के अंदर होता ही हो जाता है, थोड़ा जो हो गहराई वाली हो प्लेट है। और एक है फाइनली ये प्लेट, ये सबसे बड़ी प्लेट, इस प्लेट को से क्या याद आ रहा होगा, ऐसी प्लेट मेरे पास पहले भी थी जो कि किसी ने तोड़ी थी, लाया मैंने तोड़ी थी है ना, अच्छा चलो उस प्लेट का इतना ही वो था टाइम था, लेकिन इतनी बड़ी प्लेट थी और फिर से आ गई इतनी बड़ी प्लेट। छह छोटी प्लेट है ये वाली,
12 तो 12 कटोरियां हैं, एक बड़ी की और तीन बाउल। ये तो खैर इतने बड़े हैं, खीर वीर के लिए तो काम में आएंगे नहीं, ये खाली रायता वायते के लिए काम आएंगे, लेकिन एक लेकर आऊंगी बड़ा सा मैं। तो अब वापसी से इन्हें फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी तो फिलहाल कुछ काम नहीं है मेरा इसका। अभी मैं सेम ऐसे रखूंगा, अभी मैंने दिखाने के लिए निकाला था, लेकिन ये हाथ के दाम के रख देती हूँ ताकि मैं एकदम निकाल लूंगी चीज। अब इसके डब्बे के अंदर ही रहने दूंगी, क्योंकि जब जरूरत होगी ना तब निकालूंगी। लेकिन मैं जैसे खा नहीं गया, मैं सोच रही हूँ खाली प्लेटे डब्बे हटा के रख देती हूँ। एसी सही, एसी सारी आ जाएंगी। कागज से सेफ रहेंगी ये प्लेटे। एक गया अचार का। बोलो फेस का आ गए मजे, फेस कबाड़ी वाले को भेजेगा। हाँ। ये हमारे घर का कबाड़ी, कबाड़ों में भी 10 सामान रखा माशाल्लाह बहुत। खाना खाना भी नहीं बना रही, खाना बनाऊंगी शाम को। अभी तो हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, जो अचा बचा कुचा होता हमारा रात का, तो वही खाएंगे। तो बनाया था हमने कल शलजम कुछ बनाए थे, तो बस टाइम ही नहीं मिला कल, तो बहुत ही बिजी रही मैं बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं। तो इसलिए शलजम कुछ के साथ में आज मैं बनाऊंगी मक्का की रोटी। मक्का का आटा तो रखा हुआ था कई दिन से, और मैंने सोचा भी था खैर के जब मैं शलजम कुछ बनाऊंगी साग के साथ, तो नहीं शलजम को साग, भैया हमारे समझ में नहीं आता सच बताऊं, क्योंकि ये ना हमने बचपन से खाई नहीं। कई सारी सब्जियां होती हैं जो हम लोग देखो इतनी सारी भूसी निकली मक्के की, ये होता है ना कि जो बचपन से हम लोग खाते हैं या जो हमारी अम्मी खाती हैं वही बच्चों को आदत हो जाती है। अब जैसे कि मैं सब चीज़ें खा लेती हूँ वही मेरे बच्चों को आदत है। तो साग और एक क्या कई सब्जियाँ हैं, रतालू है, कई सब्जियाँ जो हम लोग नहीं खाते। तो अब बनाऊंगी शलजम गोश्त के साथ में मक्का की रोटी, बहुत दिन से दिल कर रहा था। और अब तो सर्दियां बस जा ही रही हैं, रमज़ान आ रहा है, सर्दियों में रमज़ान आएंगे कितना अच्छा लगेगा वो। मक्का की रोटी के लिए मैं बनाऊंगी थोड़ा सा पानी गरम करूंगी, पानी हो गया गरम, उसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद में ये जो है मक्के का आटा ये मैं डाल दूंगी। और ऐसे तरीके से बनाने से क्या होता है मक्का की रोटी आसान हो जाती है। ये देखो अब इसके अंदर क्या करूँगी, मिलाने के बाद में इसे ठंडे होने दूँगी। ऐसे मैंने निकाल लिया कुंडे में, ऐसे खूब अच्छे से अब इसे गून लूँगी। इसमें क्या होता है, इसमें मुक्के नहीं लगते ऐसे ऐसे, इसको आटा करके ऐसे हथेली की मदद से इसको गूंदा जाता है। ये देखो जैसे ये करा ऐसे, अभी मैं दोनों हाथ की मदद से करूँगी क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ लगा एक हाथ से नहीं गूंद पाऊँगी मैं। और ये मैंने आटा गूंद लिया है, आटा गूंदते ही फ़ौरन ही मैंने रख दिया था तवा गर्म होने के लिए, और तवा भी हो गया खूब अच्छे से गर्म। और बिस्मिल्लाह ये डाली मैंने अपनी पहली रोटी, बड़ी मेहनत से बनी है ये रोटी। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको पलट देंगे, और ये रोटी हल्के आँच पे मैं सेकती रहूँगी, सेक कर दूँगी मैं साइड। और ये वाली जो रोटी है ये डाल दूंगी यहाँ पर। ओ शिट लाइट गई, और ये लाइव अपनी बना रही है छोटी सी। अब तो तोने कोने तो ना यहाँ डाल दो, चलो डालो जल्दी से तवे पर। यहाँ पर तो ये भी साइड में कर दूंगी इसी जगह बना के, ये भी मैं धरी डाल दूंगी ताकि एक साथ ही तीनों बन जाए और पक जाए। लाइबा की छोटी रोटी,
लाइबा सोचती है ये मदद करवा रही है और मुझे इतना जबरदस्त वाला गुस्सा आ रहा है ना। तो ये देखो अच्छी खासी सिक गई है रोटी, और सिकने के बाद में इसके ऊपर आप डालें देसी घी या बटर, बस मजा ही आ जाएगा। मजा बस थोड़ी सी आँच लगा लूंगी। ये भी ऐसी पूरी और ये खूब अच्छी अंदर तक की सीखी। अब गई रोटी और ये रोटी को मैंने उठा लिया। ये देखो कितनी बढ़िया बनी है रोटी, बहुत मेहनत वसूल हो जाती है वाकई। और ये इधर ये लायबा की है, पहले ये वाली सीखूंगी, इधर लायबा की इधर सीखती रहेगी। जब भी तो खुशी होती है जब हम कोई काम करते हैं वो सही काम हो जाए, क्या मेहनत क्या कितनी लग जाए उसमें कोई टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन ये है कि बस काम हो जाए परफेक्ट। किसी मिलेगी जब तुमने खुद बनाई है तो। यहाँ पर बच्चे भी खा रहे हैं, बच्चों को भी अच्छी लग रही है देखो, और एकदम सफा चट कर रहे हैं बच्चे मिलकर। कैसे लग रहे हैं? कैसे? बढ़िया बटर होता ना जैसे जी औसम लगती है, लेकिन अब भी बहुत अच्छी लग रही है। और टाइम हो रहा है 3 बज रहा है और हम लोगों ने खाना खा लिया। कैसी लगी? बहुत मजे ले लेके खाई मक्के की रोटी है। आगे सच बताऊं मजे की लग रही थी, मुझे भी मजे की लग रही थी, लेकिन आटा तब चकासा था, लेकिन शलजम पालक गोश्त थोड़ा सा था, लेकिन बहुत ही मजा। लेकिन एक रोटी की करीब मैंने शोर जी के लिए रखा है क्योंकि वो अभी आएंगे शाम को 6 बजे, और अभी तो हमने लोगों ने दोपहर का खाना खाया है। अभी मैं 4 बजे के करीब चढ़ाऊंगी आलू गोश्त बनाऊंगी शाम के लिए, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी छोटी सी रोटी बनाऊंगी, लेकिन जब भी बनाऊंगी ताजी, क्योंकि इस रोटी का खाने का मजा जो होता है वो होता है ताजी रोटी खाने। बच्चों की ऐसी पेंट तय करने से जोन सी पेंट बच्चों को पहननी होती है वो मिल जाती है। और इधर भी किचन साफ नहीं कर रहा था, मैंने सोचा पहले रोटी बनाने खड़ी हो जाती हूँ फिर रोटी बनाने ऐसे, क्योंकि सारा ही किचन फैल जाता है। और गोश्त इधर भिगो दिया, फिर रोटी बनाने के बाद में एक सा पूरा किचन कर दूंगी साफ में। और इधर खाना बनाने के बाद में ये टेल्स भी धो देती हूँ मैं हाथों हाथ ही, और उसके नीचे का भी धो देती हूँ। और मेरा गैस चूल्हा इतना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन बस ये इसकी वजह से अलग अलग हैं, लेकिन ये मैं लेकर आऊँगी, मिल नहीं रहा है। मैं कहकर आई हूँ दुकान वाले से तो दोनों सेम एक से ही जो मेरे गैस चूल्हे पर फिट हो जाए ऐसे ही लेकर आऊँगी। और अब खाना बनाऊँगी मैं, और कुकर के अंदर रख देता मैंने ऑयल हो गया बहुत ज़बरदस्त वाला गर्म। ये दोपहर की रोटी थोड़ी सी बची हुई थी, ये 3 ही टुकड़े हैं, और ये मैं इसको फ्राई कर लूंगी। और इधर साथ साथ ये मैंने आलू गोश्त का निकाल लिया था मसाला, आज मैं बनाऊंगी कच्ची प्याज वाला, ब्राउन प्याज वाला करके नहीं बना रही। प्याज, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्चे, अदरक लहसुन का पेस्ट सेम वही है। और बस मैं रिजक की बिल्कुल भी बेद भी या बिल्कुल भी एक होता है ना तो मैं एक टुकड़ा भूसी टुकड़ों में जाने देती हूँ, बिल्कुल भी भूसी के अलावा। और ये बहुत ही मजे की लगती है, एकदम करारी। और उसके अंदर मैं सारा आज एक साथ डाल के फिर बाद में बनाई कर दी। को
गोश्त का तो बस ये है कि गोश्त आते ही मैं सबसे पहले क्या होता है काम मेरा, पानी में डाल देती हूँ मैं। और इसे अब भी भूनूंगी मैं, और फिर जब मैं आलू डालूंगी तब भी भूनूंगी। और इसे खूब अच्छे से भुनाई कर ली है। अब भुनाई करने के बाद में क्या करूंगी मैं, एक गिलास डालूंगी पानी, ताकि गोश्त में 3-4 सीटी लगा के खूब अच्छे से इसको मैं गला लूं। अब लगाऊंगी 4 सीटी। लो अरे नहीं, एक उठा लो और भी खाएंगे। काट लिए थे आलू, काटने के बाद में ये डालती हूँ मैं हरी मिर्च। हरी मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखते हैं गोश्त लगभग लगभग गल गया है। अब है इसकी भुनाई की ज़रूरत। भुनाई हो गई है खूब अच्छे से। अब आलू डाल के भी मैं भुनाई कर लूँगी, साथ साथ में आलू की भी भुनाई हो जाएगी। आलू डाल के भी खूब अच्छे से कर ली भुनाई। और मैं इस कदर डालूंगी थोड़ी सी दही, और आलू गोश्त के अंदर जितना चाहिए शोरबा उतना डालूंगी मैं पानी। हाँ 25 डे। और यहाँ पर बच्चों को होमवर्क करवाने भेट गई मैं। और ये देखो ये अपना होमवर्क LED पे लगा के। जब क्वेश्चन है, अच्छा चीटिंग कर रहा है। आने वाले पेपर आने वाले हैं, तो हमारे बच्चे सब तैयारी करने में लगे पड़े हैं। अलावा तुम भी करो बेटा, एक तो बेटा साफ बोलते हैं। देखो तुम्हारी मरियम है फ्रेंड है, कितने सारे तुम्हारे साथ ही हैं, कितना साफ बोलती हैं। अभी से ये सुनना, वो O TWO तुम 20 तक सुनाइयो। 20 तक आती है, आती तुझा है, तुम सुनाना फिर। इसको मैं डालूंगी हरा धनिया, खा लेके जा रही हूँ। ये सब खाने की जरूरत है। चलो ये चम्मच लेके जाओ स्पून। निकालो तुम भी, निकालो पहले, निकालो। अल्लाह है बोटी, अल्लाह ढूंढ लो बोटी। और गुड देखे फ्रिज में। ओफो फेस का तो बस नमक डालने का स्टाइल ही अलग है वाकई। ठीक है और कल की हाफिज जी से पूछ कर आना छुट्टी है या नहीं है, या सुबह में आना। छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है ना, जाना। चलो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और काम मेरे जारी रहेंगे, लेकिन आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूंगी। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।